हम TCP/IP लेयर्स की बात कर रहे हैं। TCP/IP प्रोटोकॉल सुइट क्या है, इसका ISO OSI से क्या अंतर है, कौन कौन सी लेयर्स होती है इसमें। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल सुइट ये एक तरीके से कॉन्सेप्चुअल मॉडल है और इसमें कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो खासतौर पर इंटरनेट से संबंधित है और इसी तरीके से जो कंप्यूटर नेटवर्क्स है जो इससे संबंधित है उनके लिए है ये TCP/IP। और पूरा इंटरनेट जो है वो TCP/IP के अराउंड ही बना हुआ है। इसे हम TCP/IP इसलिए बोलते हैं कि जो ओरिजिनल प्रोटोकॉल थे इसमें वो ये दोनों थे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसे हम DoD मॉडल भी कहते हैं क्योंकि जिसका डेवलपमेंट था इस नेटवर्किंग मॉडल का उसको फंड किया था DARPA ने, यूनाइटेड स्टेट्स की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने। जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है या इंटरनेट प्रोटोकॉल सुइट कह सकते हैं, ये आपको एंड टू एंड डेटा कम्युनिकेशन के लिए क्या स्पेसिफाई करता है कि किस तरीके से डेटा पैकेटाइज होगा, पैकेट कैसे बनेंगे, एड्रेसिंग कैसे होगी, ट्रांसमिट कैसे होंगे, रूटिंग कैसे होगी और रिसीव कैसे होंगे, ये सब इस प्रोटोकॉल में दिया हुआ है। जो फंक्शनैलिटी है इसकी, चार आप एब्स्ट्रैक्शन लेयर देखेंगे जिसमें आप प्रोटोकॉल देखेंगे जो नेटवर्किंग जो मैं बता रहा हूं इन्वॉल्व है उससे रिलेटेड है। अगर लोएस्ट से हाईएस्ट चले आप तो सबसे पहले आपका होता है लिंक लेयर, यानी कि होस्ट टू नेटवर्क ये लिंक लेयर है। इसमें कम्युनिकेशन मेथड है डेटा के लिए जो आपके एक नेटवर्क सेगमेंट में होगा, लिंक में होगा। इंटरनेट लेयर है जो कनेक्ट करेगी कुछ इंडिपेंडेंट नेटवर्क को, यानी कि इंटरनेट वर्किंग प्रोवाइड करता है ये इंटरनेट लेयर, नाम ही इसका इंटरनेट लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन, और एप्लीकेशन लेयर ये प्रोसेस टू प्रोसेस डेटा एक्सचेंज के लिए प्रोटोकॉल है या एक तरीके से कॉन्सेप्चुअल लेवल में एब्स्ट्रैक्शन है। तो टेक्निकल स्टैंडर्ड जो कौन इसको बनाता है, कैसे करते हैं, जो भी इसके प्रोटोकॉल्स हैं उसको मेंटेन कौन करता है, वो करता है IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, IETF। ये OSI से थोड़ा सा सिंपल मॉडल है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो TCP/IP का रेफरेंस पहले आप, मैं डायग्राम बता दूंगा आपको, ये इस तरीके से है आपका होस्ट टू नेटवर्क यानी कि ये नेटवर्क लेयर एक्सेस के लिए है, इंटरनेट लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है, यानी कि इसमें कुल मिला के चार लेयर्स। ये एक नेटवर्क मॉडल है, ये TCP/IP का जैसे मैंने बताया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल नाम है, नेटवर्क मॉडल है। और ये करंट इंटरनेट का जो आर्किटेक्चर है वो इस पे बेस्ड है। प्रोटोकॉल क्या होते हैं, ये कुछ रूल्स होते हैं, ये कुछ गाइडलाइंस होती है जो हर एक कम्युनिकेशन जो नेटवर्क पे हो रहा है उसको गाइड करते हैं कि कम्युनिकेशन कैसे होगा। ये सोर्स से डेस्टिनेशन या इंटरनेट पे जो डेटा मूवमेंट हो रहा है उसके लिए प्रोटोकॉल से गाइडलाइंस, जैसे कुछ नेम है, एड्रेसिंग स्कीम कैसी होगी ये बताता है। तो होस्ट टू नेटवर्क जो पहला सबसे नीचे बेस वाला लेयर है, ये सबसे नीचे वाला लेयर है। ये प्रोटोकॉल पहले तो आप होस्ट से कनेक्ट करें ताकि पैकेट्स आप भेज सके, इसलिए होस्ट टू नेटवर्क है। ये वेरी करता है होस्ट टू होस्ट और नेटवर्क टू नेटवर्क। इंटरनेट लेयर की बात करें, इंटरनेट लेयर जो इसके ऊपर आती है होस्ट टू नेटवर्क के ऊपर, तो सिलेक्शन कौन सी पैकेट स्विचिंग नेटवर्क है जो आपके कनेक्शन लेस इंटरनेटवर्क लेयर में, तो सिलेक्शन है पैकेट स्विचिंग नेटवर्क का, किस पे बेस्ड होगा वो कनेक्शन लेस इंटरनेट वर्क लेयर में, इसे हम इंटरनेट लेयर कहते हैं। ये एक तरीके से जो पूरा आर्किटेक्चर है ना, ये TCP/IP का उसको होल्ड करता है। ये इसमें मदद करता है कि पैकेट जो बन गए हैं या पैकेट जो बनाए जा रहे हैं वो इंडिपेंडेंटली डेस्टिनेशन पे जाएं। ये पॉसिबल है कि जो पैकेट आप भेज रहे हैं वो ऑर्डर उनका अलग हो जिस हिसाब से वो पहुंच रहे हैं। और यहां पर इंटरनेट लेयर का IP यूज होता है, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसलिए इंटरनेट लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें, ये डिसाइड यहां पर होता है कि डेटा ट्रांसमिशन पैरेलल पाथ में होगा, सिंगल पाथ में होगा, जैसे मल्टीप्लेक्सिंग है, सेगमेंटिंग है, स्प्लिटिंग है डेटा की, वो सारी यहां पर ट्रांसपोर्ट लेयर में होती है। एप्लीकेशन सीधा ट्रांसपोर्ट लेयर में रीड और राइट कर सकते हैं। एक हेडर इंफॉर्मेशन जोड़ता है ट्रांसपोर्ट लेयर, और जो मैसेज है डेटा को उसको छोटे छोटे भाग में डिवाइड करता है ताकि उनको और अच्छे से हैंडल कर सके इसकी जो नीचे की लेयर थी नेटवर्क लेयर। ये अरेंजमेंट भी करता है पैकेट को सीक्वेंस में जो भेजना है। फिर एप्लीकेशन लेयर है सबसे ऊपर। TCP/IP स्पेसिफिकेशन में काफी सारे एप्लीकेशन जो इस लेवल पे है इस प्रोटोकॉल स्टैक में
कुछ जैसे टेलनेट है, एफटीपी है, एसएमटीपी है, डीएनएस है। टेलनेट एक टू वे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो रिमोट मशीन से आप कनेक्ट हो सकते हैं, आप अपने एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। और एफटीपी है एक ऐसा प्रोटोकॉल जो फाइल ट्रांसफर कंप्यूटर के बीच में एक नेटवर्क के थ्रू रिलायबल है, सिंपल है, एफिशिएंट है। एसएमटीपी जैसे मेल नाम आता है इसमें, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इलेक्ट्रॉनिक मेल को सोर्स से डेस्टिनेशन में भेजने का जो डायरेक्शन है, रूट है, डिसाइड होता है इसमें। डोमेन नेम सर्वर का मतलब ये है कि जो आईपी एड्रेस है उसकी रिजॉल्विंग टेक्सचुअल एड्रेस में होस्ट जिससे कनेक्टेड है नेटवर्क में। अगर हम इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो ओएसआई मॉडल में इसको ए पी एस टी एन डी टी ऐसे याद करें आप। और प्रेजेंटेशन सेशन लेयर इसमें नहीं मिलेगी आपको, और ये डेटा लिंक लेयर और ये तीनों लेयर, ये लेयर है एप्लीकेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर भी है। बाकी ये जो तीनों लेयर है उनको दो भाग में बांटा गया है, इंटरनेट लेयर, होस्ट टू नेटवर्क लेयर। अब कंपैरिजन अगर करें तो देखिएगा ओएसआई और हम टीसीपी में कंपैरिजन कर रहे हैं। ओएसआई, ये ओएसआई है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, आईएसओ द्वारा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, आईएसओ द्वारा है। तो ओएसआई एक जेनेरिक प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड है, ध्यान दीजिएगा, प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड है, और ये नेटवर्क और एंड यूजर के बीच में कम्युनिकेशन के बारे में बताता है। टीसीपी आईपी मॉडल ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अराउंड बेस्ड है, जिसके कारण इंटरनेट बना। ये भी एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो होस्ट से कनेक्ट करने में आपकी मदद करता है नेटवर्क के थ्रू। आईएसओ ओएसआई मॉडल ये गारंटी करता है डिलीवरी ऑफ पैकेट, जबकि टीसीपी आईपी मॉडल ये गारंटी नहीं करता है आपको पैकेट्स, फिर भी टीसीपी आईपी ज्यादा रिलायबल है। ये एक वर्टिकल अप्रोच लेता है, एक हॉरिजॉन्टल अप्रोच लेता है। इसमें क्लियर सेपरेशन है आईएसओ ओएसआई लेयर में प्रेजेंटेशन सेशन लेयर में, इसमें ऐसा नहीं है, कोई आपको सेपरेट प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर नहीं मिलेगी। ओएसआई एक रेफरेंस मॉडल है जिसके अराउंड नेटवर्क बने, नेटवर्क्स बने, ओके, ये इंटरनेट के लिए है जिसके अराउंड इंटरनेट बना। ये आईएसओ ओएसआई एक गाइडेंस टूल की तरह काम करता है। और टीसीपी आईपी को अगर बड़े मोटे तौर पर समझा जाए तो ये आईएसओ ओएसआई का एक इंप्लीमेंटेशन ही है। ओएसआई में जो नेटवर्क लेयर है ओएसआई में, वो आपको कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड दोनों सर्विस देती है, जैसे यूडीपी है और यूडीपी और आपका टीसीपी। जबकि जो नेटवर्क लेयर है ये आपको कनेक्शन लेस सर्विस देता है, ये दोनों ही चीजें आपको देता है, ये कनेक्शन लेस सर्विस देता है। ओएसआई मॉडल थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है कि प्रोटोकॉल फिट करने की प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल फिट नहीं करता है, प्रोटोकॉल हिडन है ओएसआई मॉडल में, और आप जो भी टेक्नोलॉजी नहीं आती उसके हिसाब से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन टीसीपी आईपी में प्रोटोकॉल रिप्लेस करना इतना आसान नहीं। ओएसआई मॉडल आपको बताता है सर्विस इंटरफेस प्रोटोकॉल, बहुत क्लियरली डिफाइंड है इसमें और क्लियर डिस्टिंक्शन है, और ये प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट है, जबकि टीसीपी आईपी में सर्विस इंटरफेसेस और प्रोटोकॉल ये इतने ज्यादा क्लियरली सेपरेटेड नहीं है, और ये प्रोटोकॉल डिपेंडेंट है। इसमें 7 लेयर है, इसमें 4 लेयर है। तो ये हमने जानने की कोशिश की टीसीपी आईपी क्या है, क्या अंतर है इसका आईएसओ ओएसआई से, और इसके लेयर्स के बारे में बात की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।